केंद्र और भाजपा शासित प्रदेश सरकारों के विरुद्ध देश में व्यापक आक्रोश के चलते बीजेपी नेता हताशा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति बेतुकी बयानबाजी कर अपनी असफलताओं को छुपाने की नाकाम कोशिशों में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी प्रेस बयान में कहा कि देश में अराजकता का वातावरण है। बलात्कार, हत्याएं, शोषण, अन्याय और अपराधियों को सरकारी संरक्षण के चलते पूरा देश आंदोलन की राह पर अग्रसर है और भाजपा नेताओं को मात्र राहुल गांधी की टक्कर वाली सीट दिखाई दे रही है, परंतु मंदी, विकास दर की अभूतपूर्व गिरावट तथा दिन प्रतिदिन जनता को सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई के तोहफों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 8,000 करोड़ की कीमत में खरीदे गए हवाई जहाज नजर नहीं आ रहे। प्रेम कौशल ने कहा कि हाथरस की हैवानियत भरी घटना और उसमें प्रशासन की भूमिका एवं आए दिन हो रही बलात्कार तथा हत्याओं की घटनाओं के खिलाफ राहुल प्रियंका ने आवाज उठाकर भाजपा सरकार की दमनकारी व्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रख दी है। इसी के साथ किसानों के हितों को सरमाएदारों के पास गिरवी रखने के मोदी सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कर राहुल गांधी ने एक मजबूत तथा परिपक्व नेता के रूप में देश की जनता के दिलों में स्थान बनाकर उनके प्रति भाजपा के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया है कि देश के युवाओं के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी के अंतर को भले प्रकार समझ लिया है और अब जनता को लुभावने नारों से गुमराह करने का खेल खत्म हो चुका है। केंद्र और भाजपा शासित प्रदेश सरकारों के खिलाफ पूरे देश में पनपे आक्रोश के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं के प्रति तथ्यविहीन और बेतुकी बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर हाथरस की जो घटना हुई और उस घटना में सरकार तथा प्रशासन की जो भूमिका पूरे समाज ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी और जिस तरह से देश के अंदर बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, गुंडागर्दी बढ़ रही है और इस तरह की घटनाओं को सरकार और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, उससे पूरे देश के अंदर एक सुरक्षा की भावना के चलते जन आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने हाथरस की घटना और दूसरे जो इस तरह के अपराध देश के अंदर घटित हो रहे हैं उनके विरुद्ध मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परेशानी में है और देश के अंदर जिस प्रकार किसान आज सड़कों के ऊपर आंदोलित हैं और राहुल गांधी ने उनके पक्ष में आवाज बुलंद करके केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों का विरोध किया है, उसकी वजह से बखलाहट में और झल्लाहट में भाजपा के नेताओं को मात्र राहुल गांधी जी के ट्रैक्टर की सीट नजर आ रही है। मंदी, महामारी, विकास दर में अभूतपूर्व गिरावट, जनता को चौतरफा महंगाई की मार और हर तरह से परेशानी झेल रही जनता की भावनाओं को दरकिनार करके 8,600 करोड़ के जो विमान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सैर सपाटे के लिए खरीदे,
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नजर नहीं आ रहे। आज देश के अंदर जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले समय में अब युवा वर्ग के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि और लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और अब देश की जनता प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लच्छेदार और लुभावने जो नारे हैं उनसे गुमराह होने वाली